नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डाल रहे हैं आज की विशेष खबर पर। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सरकार की सलाह पर लिया गया नोटबंदी का फैसला। नोटबंदी पर रिजर्व बैंक द्वारा संसद की एक समिति को भेजे गए पत्र में कहा गया कि यह सरकार थी जिसने उस 7 नवंबर को 500 और 1000 रुपए का नोट बंद करने की सलाह दी थी। केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने इसके अगले ही दिन नोटबंदी की सिफारिश की। रिजर्व बैंक ने संसद की विभाग संबंधी वित्तीय समिति को भेजे 7 पृष्ठ के नोट में कहा कि सरकार ने रिजर्व बैंक को 7 नवंबर 2016 को सलाह दी थी कि जाली नोट, आतंकवाद के वित्त पोषण तथा काले धन, इन तीन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को 500 और 1000 ऊंचे मूल्य वाले नोटों को बंद करने पर विचार करना चाहिए। संसदीय समिति के अध्यक्ष प्रमुख कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली है। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अगले दिन ही इस सलाह पर विचार करने के लिए बैठक हुई। विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार ने यह सिफारिश करने का फैसला किया कि 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाए। इस सिफारिश के कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नोटबंदी का फैसला लिया गया। कुछ मंत्री अभी भी यही कहते हैं कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक की सिफारिश पर किया था। समिति को भेजे नोट में रिजर्व बैंक ने कहा कि पिछले कुछ साल से वह नई श्रृंखला के बैंक नोटों में सुधरे हुए सुरक्षा फीचर्स जोड़ने पर काम कर रहा है जिससे इसकी नकल न की जा सके। वहीं दूसरी ओर सरकार काले धन तथा आतंकवाद से निपटने के लिए कदम उठा रही है। रिजर्व बैंक ने कहा कि खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के पास इस तरह की रिपोर्ट थी कि ऊंचे मूल्य के नोटों की उपलब्धता की वजह से काला धन धारकों तथा जाली नोटों का धंधा करने वालों का काम आसान हो रहा है। इनका इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दो पूर्व वाईवी रेड्डी और विमल जालान के बाद अब अमर्त सेन भी केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आजकल बैंक कोई फैसला नहीं करता, सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में 4 डिग्री पहुंचा पारा, ठंड ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। राम माधव और जयंत सिन्हा ने मोदी की तुलना विवेकानंद से की। यौन उत्पीड़न के आरोप में कांग्रेस विधायक जय कुमार गोरे गिरफ्तार। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों में 33 मरे, 70 से अधिक घायल। वसीम अक्रम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट।